News 18, India. वापी के व्यास तहखाने में पूजा का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। हिंदू पक्ष ने भी अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट में डाली कैविएट। पूजा रोकने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में दायर की याचिका। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में जारी है भगवान शिव और लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना। 30 साल के बाद पुजारी कर रहे हैं 5 टाइम की आरती। श्रद्धालु भी झरोखे से कर रहे हैं महादेव के दर्शन। झारखंड में खत्म हुआ सियासी ड्रामा। राज्यपाल ने जेएमएम विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को दिया सरकार बनाने का न्योता। आज हो सकता है शपथ ग्रहण। सरकार बनाने के लिए 10 दिन का समय। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोरेन ने ईडी पर लगाया है अवैध तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप। सुबह 10:30 बजे सुनवाई। हेमंत सोरेन पर रांची की अदालत आज सुना सकती है ईडी रिमांड पर बड़ा फैसला। कल 2.5 घंटे तक हुई थी बहस। कोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित। फिलहाल न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में है हेमंत सोरेन। उत्तराखंड जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी। शिमला में 2 साल के बाद पड़ी है बर्फ। हिमाचल में कई जगहों पर स्कूलों की हुई छुट्टी तो जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे रहा घंटों तक बंद। आज से संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर होगी चर्चा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले इंडी गठबंधन ने बुलाई बड़ी बैठक। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में होगी मीटिंग। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी होंगे आमने सामने। भ्रष्टाचार पर बीजेपी करेगी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर खोलेंगे मोर्चा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने का है दिन। पिछले 4 समन्स पर केजरीवाल नहीं हुए हाजिर। 5वीं बार भी पूछताछ में ना शामिल होने की आशंका। अमेरिका ने भारत के साथ 330 करोड़ के ड्रोन डील को दी हरी झंडी। यूएस के विदेश विभाग ने लगाई अंतिम मुहर। भारत को मिलेंगे 31 MQ-9B स्काई गार्जियन अटैक ड्रोन। बढ़ेगी नौसेना की ताकत। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आवास देने का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इसका ऐलान किया।